नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सजवान, स्वागत है एक बार फिर से आपका द लोकसभा पर। कहानी किस्सों का सिलसिला जारी है, ऐसे में आज एक किस्सा जेपी नारायण से जुड़ा हुआ। उन्हीं से क्यों? क्योंकि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि है। तो चलिए शुरू करता हूं। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश का पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीता। धीरे धीरे वे जेपी के नाम से मशहूर हो गए। एमरजेंसी के दौरान उनके नेतृत्व में जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी सरकार की जड़ें हिला दी थी। इस आंदोलन ने राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। इसने इंदिरा गांधी से पीएम की कुर्सी छीन ली थी। इसके पहले जेपी भारत छोड़ो आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे। इस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प किस्सा है, ये आजादी से पहले का है। तब जयप्रकाश हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। इसमें वे अकेले नहीं थे, वे अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हुए थे। आजादी के इन मतवालों के जज्बे के सामने जेल की 17 फीट ऊंची दीवार भी बौनी पड़ गई थी। जेल से निकल भागने के लिए इन क्रांतिकारियों ने 56 धोतियों का इस्तेमाल किया था। इसने अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर कालीख पोत दी थी। तस्वीर में दिख रही ये वही ऐतिहासिक जेल है। 2001 में इस जेल का नाम जेपी पर कर दिया गया था। वो साल था 1942 का, दिन था 9 नवंबर। सब कुछ रोजमर्रा की तरह था, लेकिन दिन ढलने के साथ कुछ बड़ा घटने वाला था। रात होते ही जयप्रकाश अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए थे। जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फांद कर वो सभी बाहर निकल आए थे। इसमें उन्होंने 56 धोतियों का इस्तेमाल किया था। जेपी के साथ फरार होने वालों में रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला और गुलाब चंद गुप्ता शामिल थे। तब जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जमकर दिवाली का जश्न मनाया था। दरअसल 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। 91,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। पुलिस फायरिंग में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। यही वह समय था जब जयप्रकाश हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। जेल से फरार इन 6 क्रांतिकारियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर ₹10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। जंगलों में आजादी के इन 6 सिपाहियों को तलाशने के लिए ब्रिटेन सैनिकों को 2 कंपनियां लगाई गई थी। जरूरत पड़ने पर देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। तब हजारीबाग जिला कमिश्नर KVS रामन की नींद उड़ गई थी। उनके आदमियों ने इन 6 को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह नाकाम साबित हुई। जब जेपी जेल से फरार हुए थे तब उनकी उम्र 40 साल थी। फरार होने की योजना तो अक्टूबर में ही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे अंजाम नहीं दिया जा सका। शुरुआत में जेपी समेत 10 लोगों को जेल से भागने का प्लान था। हालांकि बाद में यह तय हुआ कि 6 लोग बाहर जाएंगे, बाकी के 4 गार्डों का ध्यान भटकाने का काम करेंगे। फरार होने वाले 6 क्रांतिकारियों में सबसे फुर्तीले योगेंद्र शुक्ला थे। वह तेजी से दीवारों पर चढ़ उतर लेते थे। उसी दिन दिवाली थी, जेल में ढेरों दिए जल रहे थे। हिंदू वार्डनों को दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए ड्यूटी से छुट्टी मिली थी। पूरे जेल में त्योहारी माहौल था, पर रात 10 बजे 6 लोग जेल के आंगन में पहुंचे। यह समय इसलिए चुना गया था क्योंकि वार्डन रात का भोजन करने के बाद अक्सर सिगरेट या पान खाने के लिए जाते थे। डिनर टेबल दीवार के पास रखी गई थी। शुक्ला घुटनों पर झुककर टेबल के ऊपर बैठ गए थे। एक दल वार्डनों पर नजर रख रहा था। इसके बाद सूरज नारायण सिंह के पेट के चारों ओर धोती लपेटी गई। गुलाब चंद शुक्ला की पीठ पर चढ़े और सूरज गुलाब के कंधों पर चढ़कर दीवार पर चढ़ गए। चंद मिनटों में देखते ही देखते सभी क्रांतिकारी जेल के बाहर थे। इस कवायद में जेपी के पैर में चोट भी आई थी। वे चलने में लाचार हो गए थे। साथियों ने उनके कटे पांव पर धोती बांध दी थी। वह फूल गया था और उसमें से तेजी से खून बह रहा था। जब साथियों ने देखा कि उनके लिए चलना नामुमकिन है, तो उन्होंने जेपी को अपने कंधों पर बिठा लिया था। 30 नवंबर की रात को पूरा दल हजारीबाग क्रॉस करके गया जिले पहुंच गया था। वे सभी एक पत्थर के पास सोए थे। इसे आज जेपी रॉक के नाम से जाना जाता है। वहां से भागकर सभी एक गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने जेपी के दोस्तों के यहां शरण ली थी। 9 घंटे तक हजारीबाग जेल से उनके फरार होने की भनक तक नहीं लगी थी। यह संयोग ही था कि उस समय जेल सुपरिंटेंडेंट T. Nath 7 नवंबर से 3 हफ्तों के लिए छुट्टी पर थे। 9 नवंबर को उनका रिप्लेसमेंट पहुंचा था। तो ये था आज का किस्सा लोकनायक जेपी नारायण से जुड़ा हुआ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।